दोस्तों, मैं हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ अवन में, ये देखिए चना भूंजने के लिए कि चना उसमें हम कैसे भूंजेंगे। तो आइए आज हम बताते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे चना लिए हैं, नमक और थोड़ा सा पानी। हम एक पेपर लेंगे इस तरह से, पेपर को हम इस तरह से कोन बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसका कोन बना लेना है। कोन बनाने के बाद ये जो नीचे से है, ये देखिए ये वाला चीज, इसे हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। अब हम इस कोन के अंदर, देखिए ये कोन बन चुका है, तो इसके अंदर हम ये चना डालेंगे। उसके बाद नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। अब ये नमक हम इसमें डालते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए एक चम्मच हम इसमें पानी लेंगे। इस पानी को भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे ताकि नमक क्या है ना चना में अच्छे से मिल जाए पानी के साथ में। तो ये देखिए अब ये मिक्स हो गया है, नमक इसके अंदर, चना के अंदर। अब हम इसको कोन को ऐसे करके और इसे इस तरह से दबा लेंगे। अब चलिए अब हम इसे ओवन में डालते हैं। ये देखिए हमने ओवन को ऑन कर दिया है। अब हम इसका डोर खोल के इस चना का मुंह जो हम ऐसे मोड़े हुए हैं ना, इसको हमको नीचे करके ऐसे रखना है। अब हम इस डोर को बंद करेंगे और ये क्या है ना माइक्रोवेव में ही है, 90 वाट में ही आपको रखना है। अब हम इसमें डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 2 मिनट का टाइम सेट करेंगे। ये देखिए 2 मिनट का टाइम सेट हो गया है। अब हम इस स्टार्ट बटन को दबा देंगे। अब ये देखिए ये प्रोसेस चालू हो गया है, ओवन स्टार्ट हो गया है। अब ये बन के निकल जाएगा 2 मिनट में। ये देखिए 2 मिनट अब हो चुका है। अब हम इस डोर को खोलेंगे और इस चना को, ये देखिए हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए अब हम दिखाते हैं ये चना किस तरह से भुंजा गया है। ये देखिए एक प्लेट लेते हैं, इसमें आपको चना इस तरह से, ये देखिए इतना अच्छा से ये भुंजा चुका है। अभी इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी क्या है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए इस तरह से फूटेगा भी आपका चना, ये सब इस तरह से फूटा है जो ऐसे। अब चलिए अब हम पापड़ भूंज के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे श्रीराम पापड़ लिया है। इस पापड़ को हम एक पीस इसका निकालेंगे, देखिए एक पीस पापड़ लिए हैं। अब हम इसको ओवन में डालते हैं, ये कैसे सेक के निकलेगा देखिए। ये देखिए ओवन स्टार्ट है। अब हम इस डोर को खोलेंगे और इसे डायरेक्ट हम ये जो ग्लास वाला ट्रे है इसी के ऊपर ऐसे पापड़ को रख देंगे। आप एक साथ चाहे तो 2-3 पापड़ भी रख सकते हैं एक के ऊपर एक, या फिर उसे सजा करके भी। तो चलिए अब हम इस डोर को बंद करते हैं। पापड़ के लिए क्या है, ओवन आपका माइक्रो मोड में ही रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ स्टार्ट बटन इसे दबा दीजिए, ये 30 सेकेंड देखिए सेट हो गया है अपने से। ये 30 सेकेंड में आपका पापड़ जो है वो सेक के निकल जाएगा। ये देखिए अब ये 30 सेकेंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये पापड़ सेक कर पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा ये हवा लगेगा बस। ये देखिए अब ये पापड़ अच्छी तरह से सिका के तैयार है। देखिए ये पापड़ किस तरह से क्रिस्पी है, ये देखिए इस तरह से पूरा फूट रहा है ना, ये 30 सेकेंड में ही बन जाता है अच्छे से। तो आइए अब हम जानते हैं कि ओवन में नींबू का रस यदि नहीं निकलता है, देखिए जैसे ये हार्ड नींबू है, बहुत ज़्यादा नहीं दब रहा है, एकदम हार्ड है, इसमें रस ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें रस ज़्यादा आए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक नींबू लिया है, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे जा कर के माइक्रोवेव में रखते हैं। ये देखिए हमने ओवन को ऑन कर लिया है। अब ये जो नींबू है हम इसके अंदर एक एक करके इस टुकड़े को इसमें रख देंगे। अब ये डोर बंद करेंगे और ओवन क्या है माइक्रोवेव का मोड में ही रहता है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल स्टार्ट बटन दबाएंगे 30 सेकेंड के लिए। देखिए अब इसमें क्या है वो घूम रहा है, जैसे ही हो जाएगा वो हम उसको निकाल लेंगे, फिर देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा रस रहेगा। ये देखिए 30 सेकेंड कंप्लीट हो गया है।
ये देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए इसमें रस कितना ज़्यादा आया है कि देखिए ओवन में भी रस गिर गया है। आप चाहते तो इसे कप उप में भी, लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि इसमें रस बहुत ज़्यादा निकलेगा। देखिए ओवन में उतना सारा रस है। अब देखिए हम इसे दाबेंगे भी ना तो बहुत रस आएगा। ये देखिए अब इस नींबू को हम इसमें लेंगे इस तरह से। देखिए हम इसे गाड़ेंगे, देखिए कितना ज़्यादा रस आया है। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा रस आया है। ये देखिए हम इसमें भी निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए एक नींबू में इतना रस है। ऐसे हम निकालिए। अब हम ओवन में सेवई को गूंजते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पैकेट सेवई लिया है। देखिए ये कहीं से भी फटा उटा नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे अंदर डालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से छेदा कर देंगे और अब हम इसे ओवन के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए अब हम इसे ओवन के अंदर डाल रहे हैं। अब हम इस डोर को बंद करके, ये क्या है ना पहले से ही माइक्रो मोड पे है, तो अब हम इसमें केवल 2 मिनट का ये टाइम सेट करेंगे। ये देखिए और अब हम स्टार्ट दाब देंगे। ये देखिए अब ये मशीन ऑन हो गया है। अब वो सेवई भुंजाना चालू हो चुका है। ये देखिए अब ये सेवई बन चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये भुंजा चुका है। ये देखिए अब हम इसे फाड़ के दिखाते हैं ये कैसे भुंजा गया है। देखिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं सेवई को। ये देखिए सेवई अच्छी तरह से लाल हो चुका है, गरम है अभी बहुत। ये देखिए ये गरम बहुत है अभी, इसमें हम इस तरह से इसे निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें सेवई इस तरह से बना है, ये अच्छा से भुंजा गया है जैसे हम लोग कढ़ाई में दे के भूनते हैं। तो अब हम ओवन में टमाटर को पकाएंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हम ये एक पीस टमाटर लिए, इसे हम इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे ऐसे और फिर इस तरह से ऐसे ही हम सब टमाटर को कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे कट करके इसलिए डालना है ना कि अंदर में ये फूटे नहीं तो क्या होगा ओवन के अंदर जाएगा तो ये फूट जाएगा, इसीलिए सबको ऐसे काट लेना है। ये देखिए अब चलिए अब हम इसे ओवन के अंदर रखते हैं। एक बाउल के अंदर करके आप इसे रखिएगा, चाहे वो कांच का हो या प्लास्टिक का। ये देखिए अब हम इस टमाटर को ओवन के अंदर डाल रहे हैं। अब ये क्या है ना माइक्रो मोड पे ही सेट है, तो अब हम इसमें केवल डायल घुमाएंगे। ये देखिए 50 सेकेंड हम इसमें दिए हैं। अब हम इसे स्टार्ट दबा देते हैं। अब देखिए वो सीझना चालू हो गया है, टमाटर उसमें पकेगा। तो आइए अब देखते हैं टमाटर पका है या नहीं। तो ये देखिए ये टमाटर अच्छे से पक गया है, इसका रस भी देखिए निकला हुआ है इसमें। और यदि आपका टमाटर नहीं पकता है, बड़े साइज का है या पकने में देरी हो रहा है, तो आप इसका टाइमर बढ़ा सकते हैं, 1.5 से 2 मिनट भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अब ये पूरी तरह से सीझ चुका है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा तब हम इसका छिलका ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे थोड़ा सा गर्म बहुत है ना। ये देखिए ये छिलका इस तरह से निकल जाएगा ठंडा होने पे। तो हम इसे ठंडा होने के लिए अब छोड़ देते हैं। अब हम बादाम भूनते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया है। हम जितना पानी लिए इतना नहीं, मुझे थोड़ा सा पानी लगेगा। और ये देखिए हमने एक पेपर का टुकड़ा इस तरह से लिया है। अब हम इसे एक कोन बना लेंगे इस तरह से। आप अगर आपके पास में ठोंगा है या फिर पेपर में आप कोन नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट भी ऐसे मोड़ के डाल सकते हैं। ये देखिए हमने कोन बना लिया है। अब हम इस कोन को नीचे से थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे। अब इस बादाम को हम इसके अंदर डालते हैं। इस नमक को भी हम इसमें डालेंगे और हम ये देखिए यहाँ से ये 1 चम्मच पानी हम ले रहे हैं। अब इस पानी को हम इस नमक के ऊपर ऐसे डालेंगे और इस तरह से इसे मिला लीजिएगा ताकि पूरे बादाम में अच्छे से नमक मिक्स हो जाए ऐसे। ये देखिए अब ये नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे इस तरह से बंद करके और अब हम इसे ओवन में
रख देते हैं। ये देखिए, जब भी अवन में इसे रखेंगे ना, ये देखिए जो मुंह हम मोड़े हैं इसको हमेशा नीचे रखिएगा, नीचे के तरफ, नहीं तो क्या होगा, ये जब घूमने लगेगा ना तो मुंह उसका खुल जाएगा तो पूरा बादाम फैल जाएगा। अब हम इसे बंद करते हैं, ये माइक्रोवेव मोड में ही सेट है। अब हम इसमें 2 मिनट का टाइमर डालेंगे। ये देखिए हमने 2 मिनट इसमें डाल दिया है। अब हम ये स्टार्ट बटन दबाएंगे और अब बादाम बनना देखिए स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट बाद यह बादाम बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब ये बादाम भी भूंज कर तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बादाम अब भूंज कर पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए इस तरह से बादाम अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मार्केट जैसा यह बादाम अच्छे से बनकर रेडी है। अब चलिए अब हम चॉकलेट बनाते हैं। चलिए अब हम चॉकलेट बनाते हैं, वो भी बिना मोल्ड के अलग अलग शेप में हम बनाएंगे। तो इससे पहले अब हम क्या करते हैं कि चॉकलेट को हम पहले मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये वाइट कंपाउंड लिया है, ये डार्क कंपाउंड है, इसे भी अब हम इसे अवन में पहले मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हम इसे अवन के अंदर डाल दिए हैं। इसे ग्लास बाउल में ही रखिएगा जब भी चॉकलेट मेल्ट करना हो। अब देखिए ये माइक्रो मोड पे ही सेट है, तो ये देखिए हम दाबे, ये 900 वाट आया, मुझे 360 में बनाना है। तो ये देखिए हम प्रेस करते जाएंगे, ये देखिए अब आ गया 360। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 7 मिनट के लिए सेट करेंगे ताकि 7 मिनट में ये अच्छा से मेल्ट हो जाए। अब हम इस डायल को घुमाएंगे, देखिए 7 मिनट हो गया है। अब हम ये स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। अब ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होने के लिए घूमने लगा है, अवन ऑन हो चुका है। तो ये देखिए अब ये चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, ये देखिए ये वाइट वाला भी, ये देखिए ये मेल्ट हो गया है और ये भी मेल्ट हो गया है। ये देखिए ऐसे दिख रहा है जमा जमा, ये देखिए। तो चलिए अब हम इस चॉकलेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए अब ये अच्छा से मेल्ट हो चुका है ना। तो अब चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुप्पी तैयार करते हैं। ये देखिए हम एक पॉलीथीन लिए हैं, अब इसे हम इस तरह से इसका कुप्पी बना लेंगे। ये देखिए हम कुप्पी बना चुके हैं और इसका नोखी आगे से एकदम पतला रखिएगा इस तरह से। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इस कुप्पी में इस तरह से सेलोटेप चिपका लेंगे ऐसे, ताकि क्या है कि चॉकलेट बाहर ना आने पाए। इस तरह से पूरे तरफ में हम कुप्पी में ऐसे चिपका लेंगे। ये देखिए अब ये कुप्पी पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसके अंदर ये चॉकलेट मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इस चॉकलेट को इसके अंदर भरेंगे, किसी भी चम्मच के मदद से इस तरह से हमें भरना है। ये देखिए हम इसके अंदर भर चुके हैं। अब चलिए अब हम दिखाते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक तितली को ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, या तो बटर पेपर या कोई भी ऐसा चिमकली लेंगे पतला वाला और कटिंग किया हुआ, उसके ऊपर अब देखिए अब हम ये चॉकलेट का कुप्पी लेकर के इसके ऊपर इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते जाएंगे, देखिए इसके लाइन के ऊपर में ही हमें इस तरह से हल्का हल्का कुप्पी को दाबते रहिएगा और ये कलर आपका चॉकलेट जो है इस पर निकल करके इस
तरह से जाते रहेगा। देखिए इस तरह से ही ड्रॉ करते रहिएगा और ध्यान में रखें कि ये हिलने ना पाए। आप किसी भी चीज़ से इसे दाब करके रख सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे दाब के रखा है, इसी तरह से इसके अंदर हम फिर बाद में कलर भी भरेंगे, वो आपको हम दिखाएंगे इसे हम कैसे बनाएंगे। ये क्या है ना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ऐसे बटरफ्लाई बना करके अगर आप देंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे ऐसा चॉकलेट देख करके, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं और इससे उनको और भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से देखिए ये हो गया। देखिए अब ये इसके ऊपर का आउटलाइन ये हो इसे इस तरह से। ये देखिए अभी बटरफ्लाई बनकर तैयार है। अब हम इसे क्या करते हैं, एक डायरी के अंदर या कॉपी के अंदर कुछ भी लीजिए। ये देखिए इसके इस तरफ में हम देखिए ऐसे एक कटोरी रख रहे हैं, इस साइड ये हम दूसरा कटोरी रखते हैं और अब हम ये देखिए इस बटरफ्लाई को इस तरह से हम उठाएंगे। ना उड़ने जैसा बन जाएगा, इसे हम इस तरह से बीच में रख देंगे। जब तक कि ये सूखे ना, हम इसे इसी तरह से रखे रहेंगे करीब करीब 15 से 20 मिनट के लिए, तब ये बटरफ्लाई अच्छा से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अब हम ये पत्ता का भी बनाएंगे। क्या करेंगे हम, ये देखिए इस पत्ते के ऊपर में हम इस तरह से चॉकलेट लेंगे पत्ता का ऊपर। देखिए हम चॉकलेट लिए, अब हम इसे हाथों से इस तरह से मिला देंगे चॉकलेट को। और इसे भी हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए इसी तरह से आप जितना चाहे उतने पत्तों में भी बना सकते हैं। तो चलिए ये देखिए हमने पत्ता का भी बना लिया है, अब हम इसे भी सूखने के लिए रखते हैं। तो आइए अब हम दूसरा ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए हमने यहाँ पे पांडा बनाया हुआ है। इसी तरह से आप जो जो चाहें वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर से ये चिमकिली को रखेंगे। ये देखिए ये कुप्पी में हम भर के रखे हैं चॉकलेट, अब इसे भी हम इसी तरह से भरेंगे। तरह से आपको डाल के इसे मिला देना है। तो देखिए इसी तरह से पहले आप पूरा आउटलाइन बना लीजिएगा। ये देखिए जैसे हम ये आउटलाइन बना रहे हैं, ऐसे आप पहले आउटलाइन दे देंगे ना तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा। ये देखिए डाल दिए हैं इसे। इसी तरह से आप कुछ भी डिज़ाइन कीजिए, आपका जो मन होता है आप वो बनाइए और उसे आप इसी तरह से चॉकलेट बनाएंगे ना तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये सब चॉकलेट, वो खुश हो जाएंगे बच्चे देख करके। देखिए अब हम इसका ये कान ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरह से
देखिए ये हो गया। अब हम इसमें ये ब्लैक को भी इसमें भर देते हैं। इस तरह से इसके अंदर भी अब हम थोड़ा ब्लैक इस तरह से चॉकलेट डाल देंगे। ये देखिए अभी फंडा भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए हम यहाँ पे बहुत सारा, देखिए हम यहाँ पे पैरोट बनाए हैं, रोज, डोरेमोन, इसी तरह से आप जितना चाहें उतना बना करके आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये सभी तरह के चॉकलेट बनकर अब तैयार है। तो अभी ये सब उतना नहीं सूखा है और ये पत्ता देखिए थोड़ा सूख गया है, तो अब हम इसे निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से निकालते जाएंगे, देखिए ऐसे खींचते जाएंगे ना, ये निकलते जाएगा धीरे धीरे। इसी तरह से हमें सबको निकालना है। ये देखिए कितना सुंदर एकदम पत्ता का डिज़ाइन बन के आया है। इसी तरह से ये सारा सूख जाने के बाद हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।